हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं संजय पोले और आप देख रहे हो फिजिक्स पोल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि इनर्शिया इस कॉन्सेप्ट का आविर्भाव कैसे हुआ, कितने लोगों का इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन रहा, यह हमने पिछले लेक्चर में देखा। कि आज देखिए, आज हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं जिसके जरिए इनर्शिया को समझना चाहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए इनर्शिया को समझना चाहते हैं और मास का क्या रोल है इनर्शिया में, ये भी हम समझना चाहते हैं। इसके लिए हम लेकर आए हैं दो तीन छोटे छोटे, जो आप भी घर पर कर सकते हो, ऐसे छोटे छोटे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हम लेकर आए हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन को समझने के लिए पहले, अभी जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बात आपको समझनी होगी। जैसे कि मान लीजिएगा कोई भी एक किसी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक किसी स्ट्रिंग के जरिए किसी ब्लॉक को हमने लटका दिया। मान लीजिए 2 kg ब्लॉक को अगर हम लटका देते हैं, तो जाहिर सी बात है इस रस्सी में जो फोर्स डेवलप होता है उसको टेंशन कहा जाता है। इस रस्सी में जो टेंशन होगा इस 2 kg वाले ब्लॉक के वेट के बराबर होगा, यानी इसका वेट जो है 20 newton होगा। तो इसमें जो टेंशन डेवलप होगा वो 20 newton के बराबर होगा, है ना, जो इस 2 kg के वेट को बैलेंस कर रहा है। 2 × g की वैल्यू हमने 10 ली तो 20 newton के बराबर होगा। तो इसके ऊपर इधर 20 newton लग रहा है, तो रस्सी भी इसको 20 newton से बैलेंस रख रही है। मान लीजिएगा अगर हम और एक इधर नीचे स्ट्रिंग रखते हैं और हम खुद पकड़ के इसको पुल करते हैं, नीचे पुल करेंगे, तो ऑब्वियसली इस रस्सी में जो फोर्स होगा वो, मान लीजिएगा मैंने एडिशनली इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया और कुछ, तो इस रस्सी में जो फोर्स होगा वो होगा एफ, क्योंकि हमने एफ फोर्स लगाया। ये इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा वो एफ के बराबर होगा, लेकिन इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो तो इसका वेट भी होगा प्लस ये एडिशनली जो फोर्स इस रस्सी में हमने लगाया ना वो भी होगा। तो कुल मिला के तब इसके अंदर का जो नया टेंशन होगा वो 20+F होगा। अब मान लीजिएगा मैं इस F को बढ़ाते जा रहा हूं, इस F को बढ़ाते जाता हूं, तो इस टेंशन, इस रस्सी में जो टेंशन है वो इसका इस F को बढ़ाऊंगा तो इसका टेंशन F ही होगा हर वक्त, और जिस तरह से F बढ़ाऊंगा तो उसी तरह से F भी बढ़ेगा, इसके अंदर का टेंशन बढ़ेगा। बट व्हाट अबाउट द टेंशन इन दिस, इसका टेंशन होगा 20+F, ये भी बढ़ेगा, लेकिन इस रस्सी के कंपैरिजन में इस रस्सी में 20 यूनिट से जो फोर्स होगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा इसमें। तो अगर हम देखते हैं, अगर मैं इसको और भी पुल करता रहा हूं, पुल कर रहा हूं और भी फोर्स बढ़ा रहा हूं एफ, तो ये रस्सी दोनों में से कोई तो भी रस्सी स्ट्रिंग जो है टूटने के चांसेस है। अभी हम चेक करेंगे। अगर मान लीजिएगा ये हमारा सवाल है इसमें कि अगर मैं एक रस्सी और एक रस्सी सेम मटेरियल है, सेम उनका इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है, अगर मैं इस रस्सी को अगर पुल करता हूं नीचे, तो यकीनन इस रस्सी में ज्यादा फोर्स होगा। तो अगर मैं इसको पुल करूंगा तो कौन सी वाली रस्सी, ऊपर वाली रस्सी या नीचे वाली रस्सी पहले टूटेगी, इसे हमको चेक करना है। हम देखना चाहते हैं कि विच स्ट्रिंग विल ब्रेक फर्स्ट। तो हमको क्या लगता है, मेरा सवाल आपसे है कि कौन सी रस्सी पहले टूटनी चाहिए, ये वाली या ये वाली? देखते आप सोचिए तब तक, अब जब हम डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करेंगे तब तक आप सोचिए पॉज करके कि ये वाला टूटना चाहिए या ये वाला टूटना चाहिए। यकीनन ये है कि इसमें का जो फोर्स है वो ज्यादा है और इस रस्सी में का जो टेंशन है वो कम है इसके कंपैरिजन में। चाहे कितना भी एफ आप बढ़ाओ तो इसमें का 20 newton से अधिक ही होगा इसके कंपैरिजन में। तो कौन सी रस्सी पहले टूटेगी, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये हमको समझना है। देखिए एक हमने इधर एक डेमोन्स्ट्रेशन लगाया है। देखिए ये एक बहुत सिंपल सा होममेड अपरेटस है, इसको यूज करके हम इनर्शिया को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, इनर्शिया को समझना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर एक नायलन की स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के जरिए हमने एक 2 kg वेट, 2 kg मास वाले एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया है, और नीचे और एक स्ट्रिंग रखी है जो ये वाली जो स्ट्रिंग है ना उसी मटेरियल से हुई, उतना ही थिकनेस वाली और एक मटेरियल और एक स्ट्रिंग हमने यहां पर रखी है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब मैं इसको फ्रीली छोड़ देता हूं तो इसमें टेंशन जो होगा इसके वेट के बराबर होगा, और इसको फ्रीली छोड़ देता हूं तो इसका 0 tension, इसका मास नेग्लिजिबल है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं किसी और की हेल्प लेना चाहता हूं, मैं किसी और को बुलाना चाहता हूं, प्लीज कैन यू कम। ओके, तो देखो ये हमने यहां पर एक 2 kg वाला मास लटका दिया है यहां पे इस स्ट्रिंग के सहारे से, और ये जो स्ट्रिंग है ये फ्री है, तो इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा, 20 newton होगा, राइट, एग्जैक्टली। तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, इस स्ट्रिंग में क्या होना चाहिए,
फ्रीली छोड़ देता हूं तो क्या होना चाहिए? जीरो होगा, है ना? ये तो कुछ भी है नहीं इसमें, कुछ लटक तो नहीं रहा, खुद का वेट तो है नहीं, जीरो टेंशन होगा इसमें। तो अभी मैं क्या करता हूं, अगर इस स्ट्रिंग के ऊपर कुछ एफ फोर्स लगा रहा हूं मैं, यहां पर अगर एफ फोर्स लगाता हूं तो जाहिर सी बात है ये वाली स्ट्रिंग में एफ फोर्स ही होगा। और इस स्ट्रिंग में अभी क्या होगा, ये वाला फोर्स भी होगा और इसका वेट भी होगा, यानी 20 प्लस एफ होगा। तो इस स्ट्रिंग में ज्यादा फोर्स होगा और इस स्ट्रिंग में कम टेंशन होगा। अगर तो इस स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन है और इस स्ट्रिंग में थोड़ा सा कम टेंशन है। तो हमेशा अगर चाहे यहां पर कोई भी फोर्स रखूंगा मैं, तो इस स्ट्रिंग में 20 प्लस समथिंग, अगर ये फोर्स अगर एफ है तो ये 20 प्लस एफ होगा, है ना? इसका वेट इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें सिर्फ ये मैंने जो हाथ से जो फोर्स एग्जर्ट किया वही फोर्स इसमें होगा। अगर नेचुरली अगर हम सोचते हैं तो अगर मैं इसको खींचता हूं, इसका फोर्स बढ़ाता हूं, इसके ऊपर का अगर मैं फोर्स बढ़ाता हूं इस रस्सी के ऊपर का, तो जनरली इसका फोर्स ज्यादा होगा, इसमें फोर्स ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, और इसको बढ़ाते जाता हो तो अगर टूटने की अगर बात करते, ब्रेक होने की अगर बात करता हूं, तो कौन सी स्ट्रिंग पहले ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है, आपको क्या लगता है? ये वाली ज्यादा होनी चाहिए, पहले ये वाली ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है नेचुरली इसके अंदर का टेंशन जो है ज्यादा है, इसके अंदर का टेंशन कम है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं अभी इसके अंदर का फोर्स बढ़ाना चाहता हूं, ये फोर्स को मैं बढ़ाना चाहता हूं। देखिए मैंने इस फोर्स को बढ़ाया तो देखो क्या हो गया। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये वाली रस्सी ब्रेक होनी चाहिए, लेकिन बजाय इसके नीचे वाली रस्सी ब्रेक हो गई है। हम सब शायद नेचुरली यही सोचते हैं कि ये ब्रेक होनी चाहिए क्योंकि इसमें टेंशन ज्यादा है, इसमें कम है। तो लेकिन कम होने के बावजूद भी ये वाली रस्सी ब्रेक हो गई है पहले, तो इसे कैसे समझेंगे इसको? चलो इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पहले और एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं मैं, एक छोटा सा। इस एक्सपेरिमेंट को अब दोबारा से हम इसको दोहराना चाह रहे हैं, देखते हैं अभी इस बार क्या होने वाला है। अब हम थोड़ा सा स्लाइट इस बार जो डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं वो है, इससे पहले हमने इस रस्सी को एकदम से इंपल्सिव फोर्स लगाया था, एकदम से झटके से मैंने इसको खींचा था, तो मुझे पता चला, हमने क्या पाया कि ये वाली रस्सी जो है ब्रेक हो गई, एकदम से झटके से मैंने इसको झटका मारा इसको, तो एकदम जर्क दिया मैंने इसको, एकदम से अगर इसको इंपल्सिव फोर्स लगाया तो ये टूट गया। अभी मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं धीरे धीरे से इसको पुल करता हूं, धीरे धीरे से पुल करता हूं, ताकि इसमें और इसमें धीरे धीरे से इसको अगर मैं पुल करूं, धीरे धीरे से मैं अगर इसको पुल करता हूं, देखिए अब क्या होगा, धीरे धीरे से पुल करो तो देख सकते हो आप अभी क्या हुआ, ऊपर वाली स्ट्रिंग कट हो गई। इससे पहले जब मैंने नीचे वाली स्ट्रिंग को एकदम से झटके से अगर फोर्स इंपल्सिव फोर्स लगा देता हूं, तो नीचे वाली स्ट्रिंग पहले ब्रेक होती है, अगर बहुत स्मूथली अगर मैं पुल कर रहा हूं तो ऊपर वाली स्ट्रिंग, जैसे कि हमने पहले सोचा था, ऊपर वाली स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक होगी। तो इसका मतलब है कि कौन सी स्ट्रिंग ब्रेक होगी पहले इस अरेंजमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको पुल कर रहे हो। इस एक्सपेरिमेंट का ये नतीजा निकला, इस डेमोन्स्ट्रेशन का यही नतीजा निकला कि कौन सी स्ट्रिंग पहले ब्रेक होगी, ऊपर वाली या नीचे वाली। जैसे कि हमको लग रहा था कि ऊपर वाली होनी चाहिए थी, तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से पुल कर रहे हो नीचे वाली रस्सी को। नीचे वाली रस्सी को एकदम से अगर इंपल्सिव फोर्स लगाओगे आप, जो झटके से जो फोर्स लगता है ना उसको इंपल्सिव बोलते हैं, तो एकदम इंपल्सिव फोर्स लगाओगे तो नीचे वाली स्ट्रिंग पहले ब्रेक होगी, और स्मूथली अगर आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो ऊपर वाली स्ट्रिंग पहले ब्रेक होगी। अब इस डेमोन्स्ट्रेशन का क्या नतीजा होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो वो डेमोन्स्ट्रेशन का जो निष्कर्ष ये होगा, देखिए क्या था कि जब आप एकदम से, जब आप स्मूथली फोर्स लगा रहे हो ना यहाँ पर, मान लीजिएगा यहाँ पर अब अगर आप बहुत धीरे धीरे से फोर्स बढ़ा रहे हो, तो यहाँ का जो फोर्स होगा वो होगा 20 प्लस एफ और यहाँ का फोर्स होगा एफ। ऑब्वियसली इसके कंपेरिजन में इसका फोर्स ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये हमेशा स्ट्रिंग टाइट है, ये भी टाइट है, और ये वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है ना ऊपर। देख सकते हैं आप यहाँ का, इस रस्सी में मतलब इस ब्लॉक के ऊपर नीचे कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर भी उतना ही लगेगा। ऊपर कितना लग रहा है, 20 प्लस है, नीचे कितना लगेगा, ये वाली रस्सी एफ से खींच रही है और खुद इसको अर्थ 20 से नीचे खींच रही है, तो इस ब्लॉक के ऊपर ऊपर और नीचे दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा था जब हम इसको बहुत स्मूथली खींच रहे थे, तब इक्वल लग रहा था और ये हमेशा रेस्ट में था, रेस्ट में है। अगर मैं इसको स्मूथली खींचता हूं तो इसे हमेशा रेस्ट में ही रहना है, इसको मोशन में आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां का जिस प्रपोर्शन में आप टेंशन बढ़ा रहे हो, तो यहां का भी टेंशन बढ़ते जा रहा है, और कभी भी इसके कंपैरिजन में यहां का टेंशन
हमेशा बन के रहेगा, यहाँ टेंशन है तो यहाँ पर भी टेंशन है वो बना रहेगा, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा आएगा कि यहाँ का जो टेंशन जो होगा, यहाँ का जो टेंशन होगा उसके इलास्टिक, जिसे हम स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं, सॉरी टेंसाइल फोर्स बोलेंगे, लोड बोलेंगे, वो फोर्स के पास, जिस फोर्स के पास कोई भी स्ट्रिंग ब्रेक होती है उसको टेंसाइल लोड बोलते हैं। ये जो टेंशन होगा इसके टेंसाइल लोड के बराबर हो जाता है, इसके इलास्टिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाता है, और ये वाली स्ट्रिंग टूट रही है। अब अगर आराम से कर रहे हो इसको, तो आराम से बढ़ा रहे हो, तो इसको मूव करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ये इसकी जो इनर्शिया है वो स्टेट में है, स्टेट में रहने वाला है। ये अपना कोई इसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको हम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इसको जब मैं धीरे से खींच रहा हूं तो इसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पे बढ़ा रहे ना, वही तरह से यहाँ पर भी टेंशन बढ़ रहा है, हालांकि 20 न्यूटन से अधिक मात्रा में इसमें टेंशन बढ़ रहा है। तो अपनी इलास्टिक लिमिट को जो रीच करेगा, जहां पे ब्रेक हो रहा है, उस ब्रेकिंग पॉइंट को रीच करने वाला पहली स्ट्रिंग ये है, और इसकी वजह से पहले ब्रेक हो रहा है। अब क्या हुआ था पहले एक्सपेरिमेंट में, ऐसा क्या हुआ था कि नीचे वाली स्ट्रिंग पहले टूट गई थी, हालांकि इसमें ज्यादा टेंशन था इसके कंपेरिजन में, हमको ऐसे लग रहा था, क्या हुआ था उसमें? उसमें हमने क्या किया, इसे रेस्ट में रखा, हमने इसे रेस्ट में रखा और हमने क्या किया कि ये वाली जो इलास्टिक स्ट्रिंग है नीचे वाली, इसको मैंने एकदम से फोर्स लगाया, इंपल्सिव फोर्स लगाया, तो सेम फोर्स इसमें भी डेवलप नहीं हुआ। जितना इंपल्सिव फोर्स इसमें डेवलप हुआ, वही इंपल्सिव फोर्स इसमें डेवलप नहीं हो पाया। कारण क्यों, कारण क्या हुआ, क्योंकि हम इस मास को इंपल्सिव फोर्स लगा के खींच रहे थे, और इस मास का जो इनर्शिया था, ये मास रेस्ट में था, हमने इस मास को एकदम से फोर्स लगा के नीचे खींचा, और ये जो मास है ना, फोर्स को एकदम से बहुत इतने तुरंत फोर्स को रेस्पॉन्ड नहीं करता है। मास उतनी इजीली अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल नहीं सकता, राइट? ये चाहे आपने एकदम से भी इसके ऊपर फोर्स लगाने के बावजूद भी, फोर्स लगाते ही तुरंत इस फोर्स को रेस्पॉन्ड करके ये मोशन में नहीं आया, मूवमेंट में नहीं आया। तो हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा, इसके इलास्टिक बोलते ना स्ट्रेंथ जो भी है उसका, उससे ज्यादा फोर्स इसमें डेवलप होने के बावजूद भी, वो फोर्स इसके ऊपर, इसमें बहुत ज्यादा फोर्स डेवलप हुआ, और वो फोर्स डेवलप होने के बावजूद भी वो फोर्स और ये स्ट्रिंग को वो फोर्स, इसमें का फोर्स इसको ट्रांसफर नहीं हुआ। इसका कारण क्या था, बीच में ये मास था। मास का क्या स्वभाव होता है, मास को इनर्शिया होता है, जितना ज्यादा मास होता है तो उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। इस मास का जो इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या थी, इसे रेस्ट में था ये मास, और रेस्ट में रहना चाहती है, और एकदम से अगर मैंने फोर्स लगाया तो तुरंत ये इस फोर्स को रिस्पॉन्ड करके मोशन में नहीं आएगा। तो आपने इसके ऊपर से एकदम से बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, उसके बावजूद भी ये मोशन में नहीं आया, तो यहां जो हुआ, यहां पे जो भी फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स डेवलप हुआ इंपल्सिव फोर्स लगाने की वजह से, उस फोर्स की खबर इस स्ट्रिंग को पहुंची ही नहीं, इस स्ट्रिंग में वो फोर्स ट्रांसफर हुआ ही नहीं। बीच में कौन आया था भाई, बीच में ये 2 kg वाला मास आ गया। इसके ऊपर आपने बहुत, उसके इलास्टिक स्ट्रेंथ से भी ज्यादा फोर्स लगाया, वो फोर्स इसको ट्रांसफर होने के बावजूद भी ये तुरंत मोशन में नहीं आया, रुक के रहने की इसकी जो प्रॉपर्टी, जो स्वभाव है, वो वहीं पे रह गया। तुरंत फोर्स को रिस्पॉन्ड करके ये मूवमेंट नहीं किया उसने, तो ये मूव नहीं किया तो इसमें भी वो मूवमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो फोर्स बढ़ा, इस बात की खबर स्ट्रिंग में आई नहीं, और ये स्ट्रिंग सेफ रही, और ये स्ट्रिंग ब्रेक हुई, राइट? तो इससे हमको ये पता चलता है कि कोई भी मास के ऊपर एकदम से फोर्स लगाओ, उस फोर्स को एकदम से रिएक्ट करके ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ, चाहे कितना भी बड़ा फोर्स लगाओ, उस फोर्स को तुरंत रिएक्ट करके वो मास एकदम से मोशन में नहीं आता है। वो तब भी फोर्स लगाने से पहले वो स्टेशनरी था, फोर्स लगाने के तुरंत बाद भी वो स्टेशनरी स्टेट में ही रहना चाहता है, उसका इनर्शिया उसको वहीं रखना चाहता है। वो तुरंत मोशन में, आओ भैया फोर्स लग रहा है मुझ पे, आ जाओ मोशन में, ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा मास। मास तो पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में था, तो रेस्ट में रहने की कोशिश रहेगी उसकी। आपने चाहे फोर्स भी लगाया तो तुरंत रेडी नहीं होगा, उस फोर्स के साथ आगे बढ़ने की तैयारी मास की नहीं रहती। वो जो तैयारी है ना, तैयार नहीं होना फोर्स के साथ एकदम से भाग जाने की, तैयार नहीं होना, जो रिलक्टेंस है एकदम से मोशन में आने की, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। और ये इनर्शिया और भी वायलेंट होगा अगर इसका मास ज्यादा होगा तो। जितना ज्यादा मास होगा उतना भयंकर वाला इनर्शिया होगा। मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, अपने पास दो स्फीयर है, एक छोटा सा स्फीयर, एक बहुत बड़ा स्फीयर है। एक का मास 10 किलो है और दूसरे का मास मान लो 1
हजार की 10,000 किलो है, और मान लो स्पेस में गए हो आप, स्पेस में इसलिए बोल रहा हूं कि कोई फोर्स नहीं लगता, एक मास यहां पे रखा है दूसरा मास यहां पे रखा है, मान लो आपका आपकी इच्छा हुई दोनों बॉल्स के साथ, बोलो एक छोटा सा कम मास वाला बॉल है दूसरा वाला हाई मास वाला बॉल, दोनों बॉल के साथ फुटबॉल खेलने की इच्छा हुई, अपने दोनों के ऊपर अगर अपने पैर से मार दिया सेम फोर्स से, आपको क्या लगता है कौन सा बॉल तुरंत आपके फोर्स को रिस्पॉन्ड करके इजीली मोशन में आएगा? यकीनन छोटा वा मास वाला बॉल जो है आपके फोर्स को आप ऑफ कोर्स उसके भी मोशन में ना आने के नखरे होंगे, वो भी रिलक्टेंस शो करेगा, वो भी क्या बोलते हैं आलस शो करेगा, मुझे नहीं जाना है मोशन में ऐसा बोलेगा, लेकिन वो बड़े मास की कंपैरिजन में छोटा वाला मास थोड़ा सा जल्दी मोशन में आएगा, और बड़े वाले मास को अपनी फोर्स लगाने उतना ही फोर्स लगाने के बावजूद भी वो उतना मोशन गेन नहीं कर पाएगा जितना छोटा वाला मास गेन कर रहा है। इसका मतलब इनर्शिया जो है मास से रिलेटेड है, जितना बड़ा मास होगा ना उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, इस एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आया, मास का डायरेक्ट रोल इनर्शिया के साथ है, इस डेमोन्स्ट्रेशन से हमको समझ गया। यहां पर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, बॉक्स है, जैसे हम डब्बा यूज कर रहे हैं बहुत बार हम यूज करते हैं, एक राइटिंग पैड है और इसके सामने इसके ऊपर एक छोटा सा वेट रखा है हमने बॉटल। अब देखिए यहां पर इस बॉटल को हमने रखा, बीच में पैड है, और मैं इस बॉटल के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ मैं जो भी फोर्स लगा रहा हूं पैड के ऊपर लगा रहा हूं, राइटिंग पैड के ऊपर लगा रहा हूं। तो अब देखो अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद एक्सपेरिमेंट और भी सफल होता, लेकिन फ्रिक्शन है थोड़ा सा तो भी पैड के साथ तो मूव करेगा ही वो। अब मान लीजिएगा अगर मैं अचानक से इस पैड को इसको अट्टे को अगर मैं खींचता हूं, अचानक से एकदम से खींचता हूं, तो क्या होना चाहिए, क्या ये बॉटल इस पैड के साथ मूव करेगी या फिर इस नीचे जो बॉक्स एग्जैक्टली उसके नीचे रखा उसमें गिरेगी, देखते हैं क्या होगा, क्या हो गया, और एक बार देखते हैं। देखो फिर से उसमें गिरी, थोड़ा सा फ्रिक्शन है उसके लिए थोड़ा सा मूवमेंट इसके साथ हुआ, नहीं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता कि ऐसे निकल जाता और वो जो बॉक्स है अपना, वो जो अपना बॉटल है, ये जो बॉटल है वो वहीं पे रह के नीचे गिर जाती। फ्रिक्शन होने के बावजूद भी हमने अगर अचानक से इसको खींचता हो तो ये पैड के साथ मूव नहीं कर रही है, वो वहीं पर है, वो मास वहीं पर है, और फाइनली ये पैड निकल जाने के बाद इस डब्बे में गिर रहा है। तो अगर समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस, तो इसका एक ही मतलब है, मास जो है उसको इनर्शिया होता है, मास ही जो है वो इनर्शिया का मेजरमेंट होता है, जितना बड़ा मास उतना बड़ा इनर्शिया, तो मास की वजह से इनर्शिया की प्रॉपर्टी आती है। तो अगर आपने क्या किया था, पैड के ऊपर फोर्स लगाया, आपने राइटिंग पैड के ऊपर अपने फोर्स लगाया, अब बॉटल को अपने हाथ नहीं लगाया, बॉटल के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, इस आजम चल लेता है, यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, फिर भी चलो इग्नोर कर देते उस फ्रिक्शन को, कि बॉटल के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, हमने एकदम से पैड को अगर मूव करता हूं तो बॉटल का इनर्शिया उसको वहीं रखता है, उसको मूव करने नहीं देता है, उसका मास थोड़ा बहुत फ्रिक्शन लग भी रहा उस टेबल की, उस पैड की वजह से, लेकिन उस फ्रिक्शन के फोर्स को तुरंत रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा वो मास, क्योंकि मास की प्रॉपर्टी होती है एकदम से अपने मोशन को चेंज नहीं होने देना, अगर वो रेस्ट में है तो तुरंत मोशन में नहीं आएगा, चलो भैया उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगते ही वो बोलेगा भाई साहब फोर्स आपका बहुत स्वागत है मैं आ जाऊंगा मोशन में, ऐसा नहीं बोलेगा, वो फोर्स लगाने के बावजूद भी थोड़ा सा फोर्स लगने के बावजूद भी यहां तो नहीं लग रहा है, आइडियली थोड़ा सा लग रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है, अगर फोर्स लग भी जाता है तो मास तुरंत उस फोर्स के साथ मोशन में नहीं आ जाता है, उसका इनर्शिया ऐसा करने से रोकता है। अगर यहां पर इस पैड को मैं अगर एकदम से खींच रहा हूं तो उस बॉटल के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है, वो बॉटल की टेंडेंसी वही रहने की, पैड आके निकल गया और बॉटल की टेंडेंसी वही है, कैसे पता चला सर बॉटल वही है, क्योंकि ये बॉटल वहीं पे नीचे गिर रही है उस डब्बे के अंदर, तो उसका इनर्शिया उसको वहीं पे रोक के रख रहा है। यही कारण है जब हम किसी कार में बैठकर ड्राइवर के बाजू वाले सीट में बैठकर हम कार में ड्राइव करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, जर्नी करते हैं, मान लीजिए बहुत हाई स्पीड से जा रही है कार और किसी कारणवश अगर वो ड्राइवर कार का ड्राइवर अगर ब्रेक लगाता है कार को तो क्या होता है, जनरली हमने फील किया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम में होता क्या है, हम आगे झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई, आगे इतना प्रचंड हम इतने भयंकर वायलेंटली आगे झुक जाते हैं, कभी कभी अगर बहुत ज्यादा स्पीड में रहती है कार तो हो सकता है कि हमारा जो चेहरा है वो आगे डैशबोर्ड पे लग के हमारे को जो डैमेज होने का चांस है, इसलिए हमें कहा जाता है अक्सर कि जब भी कार में आप बैठकर ट्रैवल करते हो तो सीट बेल्ट लगाना होता है, सीट बेल्ट हम तो पुलिस वाले के डर से
ट्रैफिक पुलिस वाले के डर से हम सीट बेल्ट लगाते हैं, लेकिन नहीं, आपको इनर्शिया से बचाने के लिए सीट बेल्ट होता है। आपका सीट बेल्ट क्या काम करता है आपको देखिए, जब आपकी कार रुक जाती है सडनली, कार के ऊपर किसी तरह से फोर्स लगा और कार रुक गई है, लेकिन आप कार के साथ पहले मोशन में थे, कार भी मोशन में थी, आप भी मोशन में थे, लेकिन कार के ऊपर ब्रेक लगाने की वजह से किसी मैकेनिज्म के कारण उसके ऊपर फोर्स डेवलप हुआ, कार रुक गई, लेकिन आपके ऊपर अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे ना, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं लगा, आप मोशन में हो, कार भी मोशन में थी, कार रुक गई, कार के ऊपर फोर्स लगने के कारण कार रुक भी गई, वो भी तुरंत नहीं रुकती, ब्रेक लगाते ही कार वहीं पे रुकती, ऐसा नहीं होता। अगर यही होता तो शायद एक्सीडेंट कभी होते ही नहीं दुनिया में। तो एक्सीडेंट का मूल कारण अगर मैं बोलूंगा तो इनर्शिया ही है। अगर मान लो कार को ब्रेक लगाया, जहां पर ब्रेक लगा कार वहीं रुक जाती, तो शायद हम कितने भी कम से कम डिस्टेंस में रुक जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका इनर्शिया तुरंत उसको मोशन में है, तो तुरंत फोर्स लगाते ही फोर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो जैसा है वैसे ही चलने की कोशिश करता है, उसका इनर्शिया करवाता है वैसे। तो आप जा रहे हो कार में, आपको मोशन है, कार को भी मोशन है, कार के ऊपर फोर्स लगा, कार किसी वजह से रुक गया, लेकिन आपको रोकने वाला कोई नहीं था, आप मोशन में थे, आप मोशन में ही रहोगे, आपका इनर्शिया आपको ऐसा करने को बोलता है, आप मोशन में थे, मोशन में ही रहोगे, कार रुक गई, आप जिस सीट के ऊपर बैठे थे वो सीट तो रुक गई कार के साथ, लेकिन आप अभी भी मोशन में हो, इसलिए आप आगे जाके डैशबोर्ड के ऊपर टकरा जाते हो, यही इनर्शिया है, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखिए भैया, एक बात और भी है कि ट्रेन के सामने अगर कोई आ जाता है तो ट्रेन को रोक, ट्रेन का ड्राइवर कभी भी, अगर कोई मान लीजिएगा कोई कभी कभी एक्सीडेंट जब होते हैं ट्रेन के, तो कोई सामने आ जाता है, कोई सुसाइड करने के लिए सामने आ जाते, कभी भी ट्रेन का ड्राइवर उसे उस पर्सन को देखे एकदम से ट्रेन का ब्रेक नहीं लगाता इंजन का। कारण क्या है, अब देखिए ट्रेन के तो इतने बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, है ना, इंजन से बहुत सारे डिब्बे जुड़े हुए हैं, और ट्रेन मान लीजिए बहुत हाई स्पीड से जा रही है, तो डिब्बे भी, हर डिब्बा भी बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं, एकदम सारे के सारे डिब्बे हाई स्पीड से जा रहे हैं। मान लीजिएगा सामने कुछ आ गया और ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन के इंजन का ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने से इंजन तो रुक जाएगा मान लीजिएगा किसी भी तरह से, लेकिन ब्रेक के ऊपर, उस इंजन के ऊपर फोर्स लगा, इंजन रुक गया, लेकिन पीछे जितने भी डिब्बे थे क्या वो डिब्बे तुरंत रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, उनका इनर्शिया उनको रोकने से मना करता है, उनका इनर्शिया उसको रुकने नहीं देता है, उस इनर्शिया के कारण उनका मोशन जैसा था वैसे ही परसिस्ट करने की प्रॉपर्टी उस डिब्बे को है, तो सारे के सारे डिब्बे एक के ऊपर एक आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को नुकसान होने का चांस है, खतरा है, इसकी वजह से किसी भी हाल में ट्रेन को तुरंत ऐसे नहीं रोका जा सकता है। तो इस तरह के अनगिनत एग्जाम्पल्स आप इनर्शिया को लेकर दे सकते हैं, और भी कई हो सकता है, ये भी इनर्शिया मोशन ही है। कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिएगा आप किसी बस पे आप खड़े हो, बस के अंदर आप खड़े हो, बस स्टेशनरी है, रुकी है, रुकी हुई बस, लेकिन आप, आपको अंदाजा भी नहीं कि अभी बस चालू होने वाली है, आप बस के अंदर आप रिलैक्सली खड़े हो और मान लीजिएगा बस का ड्राइवर आ जाता है और बस को एकदम से अचानक से चालू कर देता है, बस एकदम से अचानक से मूव करती है, तो आप पीछे हट जाते हो, पीछे गिर जाते हो, कहीं कहीं अगर एकदम से उसने गाड़ी को चालू कर दिया तो पीछे गिरने का भी खतरा होता है। तो ऐसा क्या होता है, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ऐसा क्या होता है कि आपकी बॉडी रेस्ट में थी, आपकी बॉडी एकदम से आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी है मास के कारण इनर्शिया, वो आपके बॉडी को एकदम से मोशन में आने नहीं देगी, परमिट नहीं करेगी, और आपके पैर बस को लग के है, बस मोशन में आ गई, बॉडी अभी भी रेस्ट में है, रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, आपके पैर गाड़ी के साथ आगे निकल जाएंगे, आपकी बॉडी यहीं पर रहेगी, आप पीछे झुक जाते हो, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी एक होता है, कभी आप देख लीजिएगा, अगर कभी टर्निंग्स के पास आपने अक्सर फील किया होगा किसी बस में, कार में, आप जब जा रहे हो बहुत एकदम से अगर शार्प टर्न हो जाता है गाड़ी, अगर हाई स्पीड से अगर टर्निंग के पास अगर टर्न लेती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ियां खाइयों में जाके गिरती है, क्योंकि वो जिस डिरेक्शन में ऐसे जा रहा था और बीच अचानक से गाड़ी को ऐसे जाना पड़ा और बहुत हाई स्पीड से इधर जा रहा है मान लो, तो वो वेलोसिटी अपनी तुरंत चेंज नहीं कर पाती गाड़ी, तो क्या होती है, उधर नीचे जाके खाइयों में गिर जाती है। अक्सर हम भी बस में बैठकर भी, अब जब भी टर्न लेती है बस, तो हम बाहर गए जैसा हमको फील होता है, राइट, इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। इस तरह से अनगिनत एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इनर्शिया के कारण, इनर्शिया के। तो इन कुछ डेमोन्स्ट्रेशन से हमने कोशिश की इनर्शिया को समझने की, आई होप सबको ये डेमोन्स्ट्रेशन से आपका जो कॉन्सेप्ट है इनर्शिया को लेके वो आपको समझ में आया। ध्यान रहिएगा, मास के कारण इनर्शिया आता है, और जितना बड़ा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ही बड़ा होता है। इनर्शिया का मतलब होता है लेजीनेस, आइडलनेस, राइट, ये इनर्ट, इनर इस लैटिन वर्ड से इसका उद्भव हुआ है,
राइट, इसका मतलब होता है लेजीनेस, मतलब ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता मैकेनिक्स में लगाओगे, लेकिन इनर्शिया का मतलब यही होता है कि जैसा जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट है उस स्टेट में रहने को ज्यादा पसंद करता है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, मोशन में है तो मोशन में रहने को ज्यादा पसंद करता है। फोर्स लगाया भी अपने तुरंत उस फोर्स को रेस्पॉन्ड करके उस फोर्स के मर्जी के हिसाब से ऑब्जेक्ट नहीं चलता, ऐसे चलने से ऐसे उसके मर्जी मतलब फोर्स के मर्जी से एकदम से चलने नहीं देता वो उसका इनर्शिया, राइट। तो इनर्शिया होने के कारण तुरंत चलती हुई गाड़ी रुकती नहीं, रुकती हुई गाड़ी एकदम से मोशन में नहीं आती, इसका कारण इनर्शिया ही है। चल, थैंक यू।